महाराज जी, ठाकुर को पुत्र रूप से प्यार करती हूं और उन दिनों में जब भोग से मना करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, रहा नहीं जाता। आज्ञा दें कि उन दिनों में मैं भोग लगा सकूं। इसमें आज्ञा की जरूरत क्या है? अपने बच्चे को दुलार करने के लिए किसी तीसरे की आज्ञा की जरूरत ही नहीं है। कौन है सके? हाँ, जब बच्चा मानती है तो आज्ञा, भगवान की सेवा के लिए आज्ञा की जरूरत है, बच्चे की सेवा के लिए आज्ञा की जरूरत नहीं। समझ रहे ना जी? मैं चाहती हूँ कि मुझे निष्काम भक्ति मिले, मतलब आगे में बस एक ही जगह टिक जाओ, एक बात पकड़ लो, सब आ जाएगा। मेरा बच्चा गोपाल, बस अपने आप वो सब जो काम और निष्काम और जो स्थिति थी, एक जगह पकड़ लो। यही होता है, हम लोग अपने भाव में नहीं टिकते। अब हमें जरूरत क्या है भक्ति की? हमारा लाला, हम खेलो खाओ, राधा 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 दुलार करो। राधा नाम से लाला बहुत खुश होता है। कभी लाला को बैठाल दिया ऐसे, राधा 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 राधा, जैसे बच्चों को ले दुलार तो बच्चा है। कभी पाटी छुरिया पकड़ाओ और लिख लाला राधा राधा राधा, देव प्रेम में डूब जाओगे। जिस भाव, इसीलिए बिना गुरु के कोई भी भाव सिद्ध नहीं होता। अगर बेटा ही मानो तो कैसे बेटा मानो, देखो कैसे। तो अभी देखो बेटा बोलने लगेगा तुमसे, बेटा तुम्हारे साथ खेलने लगे, तुम्हें दिखाई देगा कि बेटा हमारे साथ खेल रहा है। मानो फिर, सच्चा मानो, कच्चा में वो नहीं हाजिर होता, सच्चे में है। एक गोपाल की मैया थी, शायद आपने देखा हो, टाट टाट लगाए हुए, एक शरीर उनका बंगाल की तरफ का था, बहुत आसक्ति। गोपाल को अपने ऐसे छाती से लगाए रहती थी, पधार गई हैं, टाट ऐसे लगाए रहती थी, कितना प्यार, इधर टाफी इधर दूध, न जाने कितनी सामग्री टांगे, बीच में गोपाल जी छाता लगाए हुए, वो सब पानी दूध सब। थोड़ी देर परिक्रमा दी, फिर बैठ गए, दूध पिला रहे गोपाल को, कुछ खवा रहे पिला, इतने गोपाल साथ खेलते उसके, क्योंकि सारा खेल तो भाव का है ना। हमने देखा है, काफी दूर उनके पीछे चलते थे केवल उनके भाव देखने के लिए। थोड़ी थोड़ी देर बात करती कुछ ऐसे, फिर ऐसे दुलार करती, फिर दूध पिलाती, फिर ऐसे मुंह पोछती, फिर धीरे से ऐसे, फिर झोली सी टांगे थी उसे फिर बैठा लेते। और बड़ी चीजें, इधर टॉफी, इधर ये सब। गोपाल है ना, बच्चा है ना, कभी भी भूख लग जाए। ये भाव, हम जिस भाव से चले उसी भाव, कभी हम उसे भगवान ना माने, बच्चा तो बच्चा है हमारा। श्रीनाथ जी को पुष्टि मार्गी जन दो भाव से, एक तो सखा भाव से, एक बच्चा भाव से। तो जब इन दुष्टों ने आक्रमण किया तो भगवान नहीं माना, लेके भाग पड़े। हमारा बच्चा है, हमारे सुकुमार ठाकुर है, लेके भाग पड़े। भगवान थोड़ी माना, अरे भाई भगवान ने रक्षा कर लेंगे, ऐसा नहीं माना। मेरे प्रभु, मेरे बच्चा प्रभु, सुकुमार प्रभु, तो हम जिस भाव से देखे उसी भाव में डटे रहे। अरे भगवान तो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला, क्या उसको खिलाना क्या पिलाना, तो फिर भाव नहीं बन पाएगा। मेरा बच्चा है, मेरे बिना सोएगा नहीं, मेरे बिना खाएगा नहीं, मेरे बिना वो रह नहीं सकता, तो आपको अनुभव में आने लगेगा ऐसा। महाराज जी, निरंतर राधा नाम जप की कोशिश करती हूँ, आप अपने मुख से राधा नाम दें ताकि निरंतर जप। अभी वही तो बोल रहे थे, अभी यही तो बोल रहे थे, आपकी क्या, अपने गोपाल को सुनाओ, अपने गोपाल को सिखाओ। वो इसमें दाऊ जी में रहते थे, उपाध्याय जी, बड़े आपने दर्शन किए, बड़े एकांतिक संत थे। तो एक दिन अपने गोपाल जी को ऐसी गोद में बैठा ले हुए थे, और एक सिलेट में खड़िया से सामने ऐसे, और ऐसे देखो लाला राधा, देखो ऐसे लिखा जाता राधा। और बड़े ही पहुंचे हुए संत, रात दिन गोपाल में ऐसे लगे रहते, राधा राधा लिखते, राधा राधा सुनाते, जल्दी किसी से बोलते नहीं। कमरे के बाहर लिखा था कृपया विक्षेप न पहुंचाएं, बिल्कुल एकांत पधार गए। 40 दिन उन्होंने पानी भी नहीं पिया, दरवाजा बंद 40 दिन। पूज मामा जी और कई बड़े बड़े संत गए, और फिर कहा कि पुलिस, यही की बात, वृंदावन की बात, मुश्किल से 5-7 वर्ष पहले की बात होगी, है ऐसे 7 वर्ष पहले की बात, कि दरवाजा तोड़ दिया जाए, देखो जिंदा है कि नहीं। तो ऊपर जब झरोखा तोड़ा गया तो देखा गया कि वो आसन, गोपाल जी सामने और आसन में बैठे हैं, 40 दिन बराबर एक आसन। जो पानी बाल्टी में रखा था पपड़ी पड़ गई थी उसमें, बस शांत, एक बूंद पानी नहीं, भोजन नहीं, ऐसे किस रस में डूब गए 40 दिन तक। और बाल भक्त ओम प्रकाश जी की चर्चा से 70 दिन तक, 70 दिन। यहां एकादशी भी रहते तो कूटू और सिंघाड़े का हलवा और पकौड़ी चलती है, बोले एकादशी है, 70 दिन पानी नहीं।
कैसा प्रेम जागृत हुआ, कैसा अपनापन श्री कृष्ण से जागृत। इनकी महापुरुषों की थोड़ी जूठन अपने लोगों को मिले, उनके लिए हम तड़पें, उनको अपना मानें।